श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन, आत्मवत् सर्वभूतेषु कैसे होगा। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जैसा कि आप लोग दो दिनों से सुन रहे हैं, ईश्वर भक्ति का प्रचार गुरु आदेश से मैं कर रहा हूँ। यह तो सत्संग का प्रचार है वा ईश्वर भक्ति का प्रचार है, इसका अवलंबन खासकर संतों की वाणी है। गुरुदेव ने कहा कि संतों की वाणी का अवलंब होकर सत्संग करो, इसलिए संत वाणी का पाठ करता हूँ और कराता हूँ। संत वाणी में बहुत गंभीरता है, ऊपर ऊपर सरलता मालूम पड़ती है। गुरु की कृपा से उस गंभीरता को थोड़ा थोड़ा जाना है, उस गंभीरता का थोड़ा थोड़ा प्रकाश करो, इससे आपको लाभ हो। इसलिए संतों की वाणी का पाठ करता हूँ और समझाता हूँ। अभी आप लोगों ने सुना, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी, चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचलवर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। सूरत के कई अर्थ हैं, उसकी एक परिभाषा है। कबीर साहब के पंथ के ग्रंथ में एक चौपाई है। संत कबीर साहब एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके नाम से जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें से एक में लिखा है कि आदि सूरत शत पुरुष ते आई, जीव सोहंग बोलिए सोताई। जिनको आप सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं उसी को कबीर साहब शत पुरुष कहते हैं। जिस पुस्तक का नाम अनुराग सागर है उसी में यह है। सूरत का अर्थ ख्याल भी होता है। सूरत का अर्थ तुलसीदास जी ने स्मरण भी किया है, जैसे रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत से बार हिए की। यह मैं बारंबार का ख्याल करता हूँ। मेरे जानते परमात्मा परम उदार हैं, महादाता हैं, महा क्षमा करता हैं। यहाँ सूरत का अर्थ स्मरण करना हो जाता है। इसको दूसरी तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तुलसी साहब हाथरस में रहते थे। भारत के किस प्रांत में उनका जन्म हुआ था यह पता नहीं। आज के कुछ लोग उनके जीवन पर कुछ लिखे हैं लेकिन ठीक ठीक नहीं है। मैंने भी इसकी खोज की, ठीक ठीक पता नहीं लगा। लोग इनको तुलसीदास, तुलसी साहब और गोसाई तुलसी भी कहने लगे थे। घट रामायण उनकी पुस्तक है, उसमें लोगों ने कुछ मेल मिलाप भी कर दिया है। उस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं, श्रुति बुंद सिंध मिलाप, आप अधर चढ़ी चाखिया, भाषा भोर भियान भेद भान गुरु श्रुति लखा। अपने से चढ़ाई की, उसके रस को चखा, स्वयं साधन कर कोशिश कर आकाशी मार्ग पर चढ़कर आनंद को चखा है। यहाँ श्रुति सूरत के लिए लिखा है। यह संतों का पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण का शुद्ध अशुद्ध विचार यहाँ नहीं है। सब लोग संतवाणी को पढ़िए और इस अर्थ को भी रखिए, साहित्य के अर्थ को भी रखिए। कहीं यह अर्थ होगा, कहीं वह अर्थ होगा। सूरत जीव चेतन आत्मा एक ही बात है। यह सूरत सोई हुई है, मन उससे भिन्न पदार्थ है। मन सोया हुआ है, सूरत असल में सोती नहीं है। अंतःकरण का संग होने से उसका निजी ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सूरत सोई हुई है। हम लोगों की जागृत अवस्था संतों के विचार में नींद है।
इस अवस्था में सूरत जगती नहीं है, स्वप्न में भी जगती नहीं, तंद्रा में भी नहीं जगती है, गहरी नींद में तो क्या जगेगी। चौथी अवस्था तुरी में जगेगी। सूरत अपने आप को भूली हुई है, इसलिए वह सोई हुई है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। एही जग जामिनी जागही जोगी, पर मारथि प्रपंच वियोगी। मोह की नींद में अनेक प्रकार का स्वप्न हो रहा है। जागृत अवस्था में जो हम कर रहे हैं, संतों के विचार में स्वप्न अवस्था में कर रहे हैं। योगी परमार्थी होते हैं, परम तत्व के ज्ञाता होते हैं। जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं वे परमार्थी होते हैं। इस परमार्थ तत्व को जो ग्रहण करता है वह जगता है। संसार का ज्ञान जब है तब सोया हुआ है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नकपति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। स्वप्न में राजा दरिद्र हो जाता है और दरिद्र इंद्र बन जाता है, किंतु जगने पर न तो दरिद्र को कुछ लाभ होता है और न राजा को कोई हानि होती है। जब कोई चौथी अवस्था में जाएगा तो इस जागृत का हानि लाभ स्वप्न का हो जाएगा। सूरत को जगने के लिए जो कहते हैं वह तब तक जगती नहीं है जब तक चौथी अवस्था में नहीं जाए, इसलिए इस जागृत अवस्था में भी जगने के लिए कहते हैं। भजन करोगे तो जागोगे, नहीं तो क्या जागोगे। क्या भजन करो तो कहा, चित से शब्द सुनो सर्वंदे, उठत मधुर धुन रागरी। तुरी अवस्था में जो शक्ति सुनने की होती है उससे सुनो। इस कान से क्या सुनोगे। कोई सोया रहता है उसको पुकार कर जगा देते हैं, कुछ काल तक अलसाया रहता है तब फिर पूरा पूरा जागता है। इसीलिए अंदर का शब्द आवेगा और पूरा पूरा जागोगे। यह साधन में अनुभूति की बात है। जिसको विश्वास नहीं है तो करके देखो। गुरु के वचन में विश्वास तो था ही है ही। और बाबा नानक ने कहा है, अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा। अंतर की ज्योति गुरु की गवाही होगी। करने वाला ठीक ठीक करे, करने की युक्ति ठीक ठीक हो तो अवश्य होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर देखो पानी होता है कि नहीं। उसी तरह इस साधना को करके देखो होता है कि नहीं। गुरु नानक देव जी शीघ्रता पूर्वक दौड़ कर तारे पर चढ़ गए। ताड़ा क्या है, तुलसी साहब कहते हैं, श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान न कोई। वहाँ बहुत लीलाएं होती है। वह पहाड़ कैसा है तो कहा, तिल परिमाण जान जन कोई। और भी कहा है, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निश दिन वासा। गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। इसे ध्यान साधना का अभ्यास करके देखो होता है कि नहीं। करो नहीं केवल गप हाको तो क्या होगा। ताड़ा क्या है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म है हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु परिषद, इस ध्यान को जानते हो नहीं जानते हो तो जानकर, जानकार से जानकर करो होता है कि नहीं। सेवक अपने कर्म में पूर्ण है तो सदगुरु का शब्द मिलता है। सदगुरु का शब्द बैखरी वाणी नहीं, अंतरनाद है। ईश्वर की ओर से यह दया दान है, अंतर ज्योति का प्रकट होना। तो गुरु की गवाही ठीक है, सूरत के जगने पर यह होता है। यह तो पहली सीढ़ी है, पहला कदम रखने के लिए। आगे बहुत है, बहुत है, बहुत है। पहले पहली सीढ़ी तो मिले पैर रखने के लिए। संत वाणी में जो गंभीरता है वह आपके सामने कहता हूँ। आगे चलकर कबीर साहब कहते हैं, जगत पीठ दे भागरी, कहाँ भागो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों कोण दशो दिशाओं में कहीं भागो। जगत पीठ नहीं होगा, संसार की ओर पीठ तब होगी जैसे अभी जगे हो तो संसार को देखते हो। स्वप्न और सुषुप्ति में
इस संसार का ख्याल नहीं रहता है तो संसार की ओर पीठ होती है, लेकिन घोर अंधकार का जगत तुम्हारे सामने रह जाता है, फिर जगत की ओर पीठ कहाँ हुई। ऐसा करो कि संसार का ज्ञान तुमको नहीं रहे, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, कहीं भी संसार का ज्ञान नहीं रहे। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। इस पर विचार करो, वह द्वैत वियोगी पद कैसा है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसी दास ही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। इन सब संतवाणियों को मिला मिलाकर पढ़ो। पहले तो पढ़ने समझने में ही अपने को बड़ा आनंद मिलता है, करो तो और आनंद मिलता है। ऐसा न समझो कि संसार में कुछ करना नहीं है, ध्यान का समय तो ऐसा ही है, लेकिन संसार में बेवकूफ बनकर भी रहना नहीं है। विद्या उपार्जन करो और संसार के काम भी करो। संसार के काम के लिए संत लोग कहते हैं कि इस दर्जे में पहुंचोगे आत्मवत सर्वभूतेषु, तब सारा संसार आत्मवत होगा। इंग्लैंड व इस देश, उस देश की बात नहीं, सारे संसार के भूत आत्मवत होंगे, लेकिन चालाकी से नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। संतों की वाणी में बड़ी गंभीरता है, केवल शब्दार्थ से ही अर्थ नहीं होता है। शब्दार्थ जाने, संतों के पारिभाषिक शब्दार्थ जाने और कुछ कुछ साधन भी करे तब जानोगे। संत वाणी को कुछ नहीं जानकर केवल भौतिक बुद्धि विलास में रहकर अपने को सर्वज्ञ जानना गलत बात है। जागृत की बात जानो, स्वप्न की बात जानो, सुषुप्ति की बात जानो, और इन तीनों के पड़े कैसे जाओगे सो भी जानो। तीन अवस्थाएं स्वाभाविक ही आती जाती रहती है, लेकिन तुरी अवस्था स्वाभाविक ही नहीं आती, इसके लिए कुछ और करो, अर्थात योग करो। योग के साधन में ईश्वर की भक्ति है और योग के अंत में ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति को ही भक्त अपना असली धन मानता है, यही सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मैं 1904 ईस्वी से इस खोज में लग गया, आज तक खोज में हूँ। इसकी गंभीरता में जाता हूँ तो जैसे जैसे जाता हूँ बड़ा आनंद पाता हूँ। अभी और भी पाने को है, मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद सबको मिले। इस संसार में सबसे ऊंची बात है आत्मवत सर्वभूतेषु। संसार में बेवकूफ बनकर नहीं रहो, विद्या अर्जन भी करो और संसार की संभाल भी करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 62वें महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 3/3/1970 ईस्वी को प्रातः काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।